जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज इतिहास का पहला वीडियो या पहला टॉपिक अपलोड करने जा रहा हूं। इसमें जो ऑप्शनल वाली लूसेंट की बुक है उसके क्वेश्चनों के अनुसार जो लूसेंट और किरण की बुक उसका डिटेल में देखेंगे और जो इसका छूटेगा वो पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में हम लोग छूटे हुए टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऑप्शनल वाली बुक में भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। डीपी अग्रवाल ने सिंधु सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना है। डीपी अग्रवाल ने 2350 ईस्वी से लेकर 1750 तक माना है, जबकि रेडियो कार्बन ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। मृण मुद्राओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व माना गया है। मृण मुद्राओं के आधार पर 2500 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व। मार्शल के अनुसार, मार्शल एक हिस्टोरिकल या इतिहासकार हुए हैं, तो उन्होंने, मार्शल ने इसका काल जो है 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व माना है। 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व माना है। हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है। 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, ये हीलर के अनुसार। मार्शल के अनुसार 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक। मृण मुद्राओं के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व माना गया और रेडियो कार्बन के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और ये ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया था सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व ही है। डीपी अग्रवाल ने 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना है। सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्ष काल 2100 ईस्वी पूर्व माना जाता है। चरमोत्कर्ष काल 2100 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा संस्कृत के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैरसस, कनिंगम, एम हीलर, मादोश रूप वत्स आदि जुड़े थे। तो ये तो उसका जीवन काल हुआ। लूसेंट बुक से अनुसार चर्चा करते हैं, फिर कुछ आगे के क्वेश्चन आएंगे। पहला पॉइंट है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई।
ये लुसेंट के अनुसार, लेकिन 2500 से 1750 ये भी C14 के अनुसार है। सिंध सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की थी। सिंध सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहानी ने की थी। सिंध सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर यानी बलूचिस्तान में जो पड़ता है सुत कांगेडोर। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यानी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे जो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है, पूर्वी में पूरा स्थल हिंडी नदी के किनारे जो आलमगीरपुर है मेरठ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर में पूरा स्थल चिनाव नदी के किनारे अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो ये तो इसका चारों तरफ की सीमाएं हैं। उत्तर में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान जो दास्क नदी के किनारे, पश्चिम में पूर्व में आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, उत्तर में चिनाव नदी के किनारे अखनूर के निकट मादा जो जम्मू कश्मीर के में पड़ता है नगर, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के। तो ये तो इसका एरिया था। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलीवीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगन। 6 बड़े नगर बताए गए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोदगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोदगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का लाज साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है।
स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, स्नानागार जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिला है, सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, जो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो उसके मध्य में जो स्नान कुंड है वो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, लूसेंट बुक के अनुसार 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। नेक्स्ट पॉइंट, अग्निकुंड लोथल और काली बंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड से कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल और काली बंगन। और लोथल एक बंदरगाह भी है, और जुते हुए खेत जो हैं और नक्काशीदार ईंटे ये भी काली बंगन से प्राप्त हुए हैं, और अग्निकुंड लोथल और काली बंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता, एक सील पर तीन मुख वाले देवता यानी पशुपत नाथ की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, जहां से स्नानागार मिला वहीं से सील पर तीन मुख वाले देवता यानी पशुपत नाथ की मूर्ति मिली है। उनको चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा विराजमान है उनके चारों ओर, जो पशुपत नाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, पशुपत नाथ की मूर्ति और स्नानागार, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई उसके स्नान कुंड की 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहरा है 2.43 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु जो है, श्रृंगी सींग वाला, उसका अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हू दड़ों में मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हू दड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। कई बार ये क्वेश्चन आया है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक है, या लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? दाई ओर से जो भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु सभ्यता की थी, या दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जब अभिलेख कोई एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। नगरों और घरों के लिए, घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल को छोड़ के सभी की दरवाजे और खिड़कियां पिछवाड़े की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं। सिंधु सभ्यता की दो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने
हल्का साच बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल्का साच बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साच लोथल से ही मिले हैं, चावल के प्रथम साच लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुरकोतदा, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। इस सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। दो पहियों या चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक पिगट ने हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसको कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा का भी प्रचलन था यहां, ऐसे साक्ष मिलते हैं इस सभ्यता में। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष यहां मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ऐसा माना जाता है ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह का। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड जो होता था वो बहुत पूजनीय होता था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तो स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब मूर्तियां जो हैं स्त्रियों की ज्यादा मिली हैं मिट्टी की, तो अनुमान ही लगाया जाता है कि ये समाज जो था सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। यहां के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वाह, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे यहां के लोग। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पास खेलना ये इनके साधन थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना ये इनके मनोरंजन के साधन थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से
डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसकी निचला शहर कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन में सिर्फ एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के लिए था वो जो है किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होता है। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। देखिएगा, प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति इसका इस सभ्यता में प्रचलित थी। प्रचलित थी। नेक्स्ट, शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती हैं, मतलब जुड़वा समाधियां मिलती हैं। कहां? लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये तो कुछ पॉइंट थे। अब कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। जैसे लिखा है सिंधु काल में विदेशी व्यापार, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो तांबे का व्यापार सिंधु काल में खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में होता था। तांबे का व्यापार सिंधु काल में आयात वस्तुएं आयात की जाती थी। वस्तुएं कहां? खेतड़ी से, खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से तांबे की। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, सोना जो है कर्नाटक, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से। लाजवर्त जो है मोसो पोटामिया से। और सीसा जो है ईरान से व्यापारित आयात किया जाता था। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो जो हड़प्पा शहर है इनका प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। इसको दयाराम सहानी और माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया था 1921 में। हड़प्पा को जो रावी नदी के किनारे है इसका उत्खनन जो है दयाराम सहानी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1921 में। इस समय ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। कहाँ है? माउंट गोमरी जिला में इस समय है ये। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो सिंध नदी के किनारे है इसे राखालदास बनर्जी ने उत्खनन किया था 1922 में। 1922 में अब ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है।
सिंध प्रांत के लड़काना जिला में अब है। चन्हुदड़ो ये सिंध नदी के किनारे था, गोपाल मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था 1931 में। चन्हुदड़ो सिंध नदी, गोपाल मजूमदार 1931। अब ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल और बीबी के आयर, बीबी लाल और बीबी के बीके थापर, सॉरी बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था 1953 में। इस समय ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला में है इस समय। कोट दीजी सिंध नदी के किनारे जिसे उत्खनन किया था फजल अहमद ने 1953 में ही, जब ये कालीबंगन किया गया था, और इस समय ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर छठवां स्थान है, प्रमुख स्थल रंगपुर, जो मादर नदी के किनारे था रंगपुर। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था, रंगनाथ राव ने 1953-54 में। अब ये गुजरात में कठियावाड़ा जिला में है, कठियावाड़ा जिला में ये है रंगपुर। अगला है रोपड़। रोपड़ अब सतलज नदी के किनारे था, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया 1953-56 में इसका उत्खनन, और अब ये पंजाब के रोपड़ जिला है। रोपड़ जो है, जिस जो सतलज नदी के किनारे था, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था, अब ये पंजाब का रोपड़ जिला है, जो 1953-56 में इसका उत्खनन हुआ। अगला है लोथल। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया था 1955 और 62 में। गुजरात का ये अहमदाबाद जिला जो है, वही पहले लोथल था। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, इसको यज्ञदत्त शर्मा ने ही उत्खनन किया था 1958 में, जो अब उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सुत कांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे है, जिसका उत्खनन ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने किया 1927। पहले तो ऑरेंज स्टाइल ने 1927 में किया, फिर जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किया। अब ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, सुत कांगेडोर। बनवाली अगला स्थान है, बनवाली जिसे रंगोई नदी के किनारे था। रविंद्र सिंह विष्ट ने इसका उत्खनन किया 1974 में। बनवाली का रविंद्र सिंह विष्ट ने उत्खनन किया 1974 में, जो हरियाणा का हिसार जिला है। धौलावीरा जो रविंद्र सिंह विष्ट ने भी इसका उत्खनन किया 1990-91 में, गुजरात का कच्छ जिला। तो ये तो कुछ नगर थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल जो रावी नदी के किनारे 1921 में, पाकिस्तान का मोंटगोमेरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, राखाल बनर्जी 1922 पाकिस्तान का सिंधु प्रांत का लड़काना जिला। चन्हुदड़ो सिंधु नदी, गोपाल मजूमदार ने 1931, जो अब सिंध प्रांत में है। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे बीबी लाल एवं बी के थापर 1953 में इसकी खोज हुई, उत्खनन हुआ, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। कोट दीजी जो सिंध नदी के किनारे, फजल अहमद ने इसका उत्खनन किया। कोट दीजी 1953 में इसका उत्खनन हुआ, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने एक और शहर लोथल भी खोजा था। रंगपुर और लोथल भी रंगनाथ राव ने खोजा था। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगपुर 1953-54 में, और जबकि लोथल जो है 55 में खोजा गया। गुजरात का अहमदाबाद जिला लोथल है, और गुजरात का कठियावाड़ जिला ये रंगपुर है।
रोपड़ जो पंजाब का रोपड़ जिला है 1953-56 में खोजा था यज्ञदत्त शर्मा ने, और यज्ञदत्त शर्मा ने ही आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो अब मेरठ है उत्तर प्रदेश का, वो 1958 में आलमगीरपुर को भी खोजा था। रविंद्र सिंह विष्ट ने दो स्थान बनमाली और धौलावीरा, बनमाली रंगोई नदी के किनारे है 1974 में खोजा, जो हरियाणा का हिसार जिला है, और धौलावीरा जो 1990-91 में खोजा गुजरात का कच्छ जिला है। तो ये तो लुसेंट बुक की सारी डिटेल हुई सिंधु सभ्यता की। अब लुसेंट बुक के जो क्वेश्चन है 30 तक देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। दिल्ली में नहीं है इसका कोई साक्ष्य, बिहार में भी नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ध्यान रखो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा का मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। कौन से स्थान से? सुरकोटदा स्थान से मिले हैं, और सुरकोटदा जो दास नदी के किनारे था, जॉर्ज डेल्स ने जिसे 1962 में खोजा था, अब जो है पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के किनारे है, समुद्र तट के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, यानी कालीबंगन, कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां, है ना? तो कालीबंगन जो है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जिसे वीवी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में खोजा था, घग्गर नदी के किनारे था, अब ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला कहलाता है, अर्थात इसमें सही होगा राजस्थान, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो सही है सेलखड़ी, सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। किसका? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किसी युग की सभ्यता है? तो ना तो पुरापाषाण युग की है, ना तो नवपाषाण युग की है, कांस्य युग की सभ्यता है। आठवां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय न तो पशुपालन था, न शिकार था, न कृषि व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था, जैसे तांबा ये खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से आयात करते थे, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन जो है अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद जो है सौराष्ट्र से, लाजवर्क जो है मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है ईरान से। तो ये तो मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, अर्थात सही है शहरी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दसवां, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ग्यारहवां क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा
जो रावी नदी के किनारे था, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में खोजा था, जो अब पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। कौन जिला है? मोंटगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के दो पत्तन यानी बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतवा। सुतकोतदा तो लोथल इसमें सही है। चौथा क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, या खोज कहां पर हुई? तो पैमानों की खोज लोथल में हुई। लोथल में हुई किसकी खोज? पैमानों की खोज। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे था, रंगराज राव ने 1955 और कुछ खुदाई 1962 में हुई। गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वही लोथल पहले कहलाता था। तो यहां से पैमानों की खोज हुई, कहां से? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक चार वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक चार वर्गों में विभक्त था। 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ना तो सिंधु सभ्यता है ना सिंधु घाटी सभ्यता, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। 17वां क्वेश्चन, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो मंदिर तो होते ही नहीं थे सिंधु सभ्यता में, ये गलत है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, क्योंकि पशुपतनाथ और मात्रात्मक तो था ही, तो दूसरा वाला सही है। समझ रहे हो? 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1920 में जब पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा नगर खोजा गया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, तब से ही तो सभ्यता का आगाज हुआ। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, तो ये तो यज्ञ वाला बवाल वैदिक काल में है, तो ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, गलत है। उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ कर दिया, तो ये सही है। पशुपत भगवान का उन्होंने सम्मान करना शुरू कर दिया था, दूसरा सी वाला सही है। 20वां क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो सिंधु नदी के किनारे था। राखालदास बनर्जी ने उत्खनन किया था 1922 में। इस समय ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। यही सिंध का नखलिस्तान या बाग कहलाता था। 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। 23वां क्वेश्चन जो है वो बताया गया है कि कौन सा आचार दिए गए, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे है। तो इसमें पहला ही सही है, सब सही ही है, मतलब इसमें कोई कोटेशन इधर उधर नहीं, सब सीरियल से दिए गए। 24वां क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से? कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 27वां क्वेश्चन, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद शिव, ब्रह्मा की तरह नहीं, आद शिव की तरह चित्रांकन मिलता है। 29वां क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा स्थल जो गुजरात में है वो लोथल है। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने खोजा था 1955-62 में, जो गुजरात का अहमदाबाद जिला है। 30वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थाई नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थाई नाम मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। 31वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। 32वां क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। किसका? बैल का। 33वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल स्थान है वो भारत में है। हड़प्पा भी नहीं है, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान मोंटगोमेरी जिला में है। मोहनजोदड़ो भी नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, जो 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था सिंध नदी के किनारे। है लोथल, जो गुजरात का अहमदाबाद जिला है वही लोथल है, 1955 एवं 1962 में खोजा था रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे। 35वां और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। तो इस तरीके से ये 35 क्वेश्चन हुए एनुसेंट बुक के सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट जो है वो अगले पार्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।